हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व एवं भारत की कुछ प्रमुख जिले जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए चाहे स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, तो आप पूरा इसे एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील कहाँ पर है? तो ये है रूस तथा ईरान में है। कैस्पियन सागर दो देशों के बीच एक झील है जो रूस तथा ईरान के बीच है। अगर फ्रेंड्स अगले देखते हैं, सुपीरियर झील, ये कहाँ पर है? अमेरिका तथा कनाडा के बीच। सुपीरियर सागर अमेरिका तथा कनाडा के बीच में, मतलब दोनों देशों के में है ये। और ह्यूरॉन झील कहाँ पर है? ये यूएसए तथा कनाडा में है। ह्यूरॉन झील कहाँ है? यूएसए तथा कनाडा में। और मिशिगन झील कहाँ पर है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मिशिगन झील कहाँ पर है? यूएसए में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बेकाल झील कहाँ पर है? तो बेकाल झील है सोवियत संघ में। बेकाल झील कहाँ पर है? सोवियत संघ में। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जिलों से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। और रुडोल झील कहाँ पर है? तो ये झील है केन्या में। रुडोल नामक झील कहाँ पर है? तो ये केन्या में। अगला आता है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील कहाँ पर है? तो यह है पेरू बोलीविया। टिटिकाका झील कहाँ पर है? पेरू बोलीविया में। अगला आता है रेंडियर झील। रेंडियर झील कहाँ पर है? तो यह है कनाडा में। रेंडियर झील कहाँ पर है? कनाडा में। अगला आता है डलहौजी झील। डलहौजी झील कहाँ पर है? फ्लोरिडा में। डलहौजी झील है फ्लोरिडा देश में। अगला आता है डल झील। डल झील कहाँ पर है? तो यह जम्मू और कश्मीर में। डल झील कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। आगे देखते हैं और हम वुलर झील कहाँ पर है? तो वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। वुलर झील से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला आता है राजसमंद झील कहाँ पर है? तो राजसमंद झील है राजस्थान में। राजस्थान का है भारत में, राजसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में। अगला आता है सांभर झील। सांभर झील कहाँ पर है? तो यह है, यह भी राजस्थान में ही है। सांभर झील कहाँ पर है? यह भी राजस्थान राज्य में है। अगला आता है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला देखते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पुलिकट झील कहाँ पर है फ्रेंड्स? तमिलनाडु में। अगला आता है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है? तो वह मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। आगे देखते हैं शेषनाग झील कहाँ पर है? तो शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और जयसमंद झील कहाँ पर है? राजस्थान में। जयसमंद और राजसमंद दोनों झील कहाँ पर है? राजस्थान में। जयसमंद और राजसमंद मिलता जुलता नाम है ये, तो जयसमंद भी है राजस्थान में और राजसमंद झील भी है राजस्थान में। और अगर डिंडवाना झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में ही है। कौन सी झील? डिंडवाना झील। और देवताल झील कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में। देवताल झील का झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। और चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो वो है उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लोनार झील कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। बेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है केरल में। बेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में। और मानस बल झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। मानस बल झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और पिछोला झील की बात करें तो कहाँ है? राजस्थान में। पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य में। और मालाताल झील कहाँ पर है? वो भी उत्तराखंड में ही है। मालाताल झील कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। अगला आता है खुरपाताल झील। खुरपाताल झील कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है उत्तराखंड में। मालाताल और खुरपाताल दोनों उत्तराखंड में ही है। आगे देखते हैं हम, अगला आता है अनंतनाग झील। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। ओके फ्रेंड्स, ये थी विश्व एवं भारत की कुछ
प्रमुख झील है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी डेली टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा।